गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के टॉपिक लेसन विद्युत धारा तथा ओम का नियम लेसन से निम्न पॉइंट्स अनुगमन वेग, श्रांति काल, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अनुगमन वेग क्या है? हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में, किसी भी मेटालिक चालक, धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन जो है कि अपने परमाणु को छोड़ करके उसमें घूमता है, तो वह उसमें धन आयन कौन, जिस परमाणु को इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है उस पर धन आवेश आ जाता है, उसी को हम धनायन कहते हैं। तो उस धनायन से इलेक्ट्रॉन टकराता है, जिसके कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें एक वेग जो है कि प्राप्त होता है, उसको ऊष्मीय वेग कहते हैं। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग है शून्य हो जाता है, क्योंकि जब टकराता है तो दूसरी दिशा में जाता है, फिर उस दिशा से दूसरी दिशा में जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब हम उसको बैटरी से विद्युत धारा जब उसको बैटरी से जोड़ते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, तब वह उन धनायनों से टकराते हुए एक निश्चित मिनिमम गति प्राप्त करता है, ठीक ना। तो उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। तो अनुगमन वेग क्या है भाई? जब किसी भी चालक को बैटरी से जुड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त किए जाने वाले वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। किसे कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। कब? जब किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ने पर, ठीक है, बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाले वेग को अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड नेक्स्ट है, और इसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है श्रांति काल, कह रहा है कि दूत क्रमागत टकरों, इलेक्ट्रॉन चला, एक धनायन टकराया, फिर दूसरी ओर ट्रेवल किया, फिर दूसरे धनायन से टकराया, तो इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टकरों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल और रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टकरों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल कहते हैं, और इसे टाऊ से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टकरों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं, ठीक है, और इसे टाऊ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक टॉपिक है माध्य मुक्त पथ, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टकरों में चली गई दूरी को, दो क्रमागत टकरों में चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम एंड मुक्त माध्य पथ, फ्री मेन पथ। अब हमें देखते हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है भाई। तो कह रहा है कि कोई चालक है, ठीक है, मान लेंगे कि कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है, क्या है, इसका क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है, तथा इनके सिरों को बैटरी से जोड़ने पर इसमें जो विभव उत्पन्न हो जाता है वो भी है, ठीक है ना। तो इन चालक के विभव भी उत्पन्न कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो इसमें जो जब जोड़ देंगे बैटरी से तो इसमें जो है कि आवेश पी से क्यू को प्रवाहित होगा,
तो इस प्रवाहित आवेश के कारण विद्युत धारा और इसमें जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इक्वल क्या जाएगा, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इक्वल वी बाई एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से लिखते हैं, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इक्वल क्या हो जाएगा वी बाई एल, जहाँ पर E क्या है भाई, तो इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, भी बैटरी से जोड़ने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर, और L चालक की लंबाई है, ठीक है ना। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो T सेकेंड में यदि Q आवेश इससे प्रवाहित हो तो क्या होगा, यदि Q आवेश प्रवाहित होगा तो उस कंडीशन में I इक्वल क्यू बाई टी इसमें प्रवाहित कर देंगे तो उस कंडीशन में उत्पन्न धारा आई इक्वल क्या हो जाएगा क्यू बाई टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इक्वल वी बाई एल और आई इक्वल क्यू बाई टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, दूरी इक्वल क्या हो जाएगा औसत वेग, औसत वेग इंटू टाइम, क्या हो जाएगा औसत वेग इंटू टाइम। कह रहा है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो क्या हुआ, कह रहा है कि यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो n हो तो बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल क्या हो जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा n इंटू क्या होगा बेलन का आयतन, n इंटू बेलन का आयतन हो जाएगा। तो अब हम ध्यान देते हैं कि n इक्वल बेलन का आयतन या n इक्वल n स्मॉल n, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं n है, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है n है, तो बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, तो n इंटू बेलन का आयतन इंटू ए इंटू दूरी, दूरी कितना है भाई हमारा, तो दूरी है आपका वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा औसत वेग, दूरी इक्वल औसत वेग उन समय। अब ये कह रहा है कि यदि एकांक में आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन हो तो बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन इक्वल एन ई इन स्मॉल एन इंटू बेलन का आयतन, तो एन इक्वल एन और बेलन का आयतन क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्लियर है। टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा भाई, टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, तो टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्यू इक्वल एन इंटू ई, टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा क्यू इक्वल एन इंटू ई, और क्यू इक्वल एन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से उठाइए एन ए इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू ई क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वल एन इंटू ई, तो ये पूरे एन की वैल्यू इतना यहाँ पर रख दिए और ई, तो ये ई हो गया। तो T
30 सेकेंड में आवेश कितना हो गया Q इक्वल इन इंटू इक्वल इसकी वैल्यू जो है कि यहाँ पर पुट कर दिए। अब कह रहा है कि तार में बहने वाली धारा, तार में बहने वाली धारा I इक्वल क्या हो जाएगा Q बाई टी हो जाएगा। तार में बहने वाली धारा I इक्वल हम क्या दे देंगे, तार में बहने वाली धारा I इक्वल Q बाई टी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इधर से उपरोक्त मान जिसे Q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से हटाकर Q की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे और बटे में टी कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा I इक्वल Q की वैल्यू कितनी है यहाँ से उठाकर रख दीजिए n और ये e भी डी इंटू a इंटू टी बटे में टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो I इक्वल क्या मिलेगा एन ई भी डी इंटू ए, ये आई की वैल्यू हो जाएगी। अब हम जानते हैं ठीक है ना कि उसमें बहने वाली धारा क्या आई, उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी के क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जितनी अधिक धारा बहाएंगे उसमें उतना ही अधिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी उत्पन्न होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, हम जानते हैं कि धारा घनत्व, धारा घनत्व I इक्वल क्या हो जाएगा, धारा घनत्व I इक्वल धारा घनत्व J इक्वल I बाई A। अब I की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से ये आई की वैल्यू पुट करेंगे तो जो बराबर एन ई भी डी इंटू ए बटे में ए, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जे इक्वल एन ई भी डी, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में ये संबंध हो गया। ठीक है, एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं टॉपिक पर, अनुगमन वेग क्या है भाई, तो जब भी किसी भी चालक को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर त्वरित विभव के दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त होने वाले वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। श्रांति करके है भाई, तो इलेक्ट्रॉन धनायनों टकराता है तो दो क्रमागत टकरों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मुक्त फ्री पाथ क्या है भाई, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक टक्कर करने में दो क्रमागत टकरों में चली गई दूरी को मुक्त फ्री पाथ कहते हैं। और ये आपका संबंध मैंने बता दिया कि इसमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ये हो गया, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध हो गया। ठीक, इसको अध्ययन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक्स।